दोस्तों खुशामदीद कुलगाम टाइम्स के एक और अब लाइव अपडेट में। बिल्कुल जिस तरह से सुबह से हमारी कोशिश रही कि हम आपको पल पल की खबरें बताएंगे, पल पल के अपडेट बताएंगे कि इस हवाले से कि क्या कुछ आज यानी वोट यानी ये जो काउंटिंग सुबह से रही, कौन सा उम्मीदवार इस वक्त लीड कर रहा है, तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे। जहाँ पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त तकरीबन 50 से लेकर जो है यानी 50 सीटों पर जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रहा है, उसके साथ साथ तकरीबन 28 सीटों पर बीजेपी लीड कर रहा है दूसरे नंबर पर, और पीडीपी जो है 3 सीटों पर लीड कर रहा है। लगातार हम सुबह से आप तक जो है ताजा तरीन पहुंचा रहे हैं कुलगाम टाइम्स, लेकिन हम ये आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मौजूद है, जहां आपको बताना चाहेंगे कि तकरीबन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त सकिन है, तो इस वक्त तकरीबन 15,000 वोट के करीब जो है लीड कर रहे हैं, 15,000 वोट से भी लीड कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पे। और आपको ये भी बताना चाहेंगे उसके साथ साथ सीपीआईएम के मानसुब तारीगामी जो तकरीबन 5,500 से भी जायद वोट से इस वक्त कुलगाम कॉन्स्टिट्युएंसी में लीड कर रहे हैं, तो इसी के साथ साथ तकरीबन 1,000 वोट जो है यहाँ पे दूसर कॉन्स्टिट्युएंसी में जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जो है वो लीड कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि दो तीन यानी कुलगाम के 3 कॉन्स्टिट्यूएंस में जिसमें हल्के इंतखाब डीएचपुरा जहां तकरीबन 15,000 से भी ज्यादा वोट जो है वो सकीना इतू इस वक्त लीड कर रहा है। उसके साथ साथ ये कहेंगे कि अभी अगर हम ये कहेंगे कि हल्के इंतखाब कुलगाम, हल्के इंतखाब कुलगाम में सीपीआईएम इस वक्त 5,500 के करीब जो है वोट जो है लीड कर रहे हैं। लगातार हम सुबह से आपको ताजा तरीन बता रहे हैं, ताजा तरीन जो है तफसीलात हमारे पास पहुंच रहे हैं, वो आप तक हम जरूर पहुंचा रहा था कि सुबह से हमने कोशिश कुलगाम टाइम्स ने चाहे कोई फेसबुक हो, यूट्यूब हो या बाकी हमारे जो हैंडल्स है उस पर हमने कोशिश की है लगातार आप तक ताजा तरीन पहुंचाएंगे। लेकिन ताजा तरीन यही है इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो है लगभग जो हमारे पास अभी तक जो आंकड़ा पहुंचा है पूरे जम्मू कश्मीर में जो है अभी तक लीड जो है सबसे ज्यादा आगे जो है लीड इस वक्त सकीना इतू कर रहे हैं। सकीना इतू तकरीबन 15,000 से भी ज्यादा वोट जो है वोट से इस वक्त लीड कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये बताएंगे कि लगातार हम जो कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप जो तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पे इस वक्त यानी अब इंतजार कर रहे हैं कि सकीना इतू भी बस कुछ लम्हों के बाद यहाँ पे आने वाली है। अभी ये कहेंगे कि कोशिश यहाँ सुबह से हमने जो कोशिश की है कि लगातार आप तक अपडेट पहुंचाने की, लेकिन लग रहा है इससे जिस तरह से अभी सकीना इतू लीड कर रहा है 15,000 से भी ज्यादा वोट से, यानी ये कहेंगे कि कुल मिलाकर कहेंगे कि नूराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी हल्के डेजपुरा कॉन्स्टिट्यूएंस में जो विनिंग कैंडिडेट है वो सकीना नेशनल कॉन्फ्रेंस सकीना इतू है। हम क्योंकि अभी 15,000 या 18,000 लीड जो है वो नहीं डाउन नहीं होगी, क्योंकि हमने ये पहले हम बताएंगे कि आपको जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार हमने देखा जो एग्जिट पोल्स सामने आए उसमें बताया गया था कि पहले के मुख्तलिफ जो चैनल्स के द्वारा से किया गया उसमें कुलगाम को जो सीपीएम का ये बताया गया था कि सीपीआईएम इस पे जो है जीत दर्ज करेगी, उसके साथ साथ जो हल्के इंतखाब डीएचपुरा तो उसमें 100% ये दिखाया गया है कि वहां सकीना इतू ही जो है वो कामयाबी हासिल कर रहा है। यहां तक ये आपको बताना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से हमारे पास जो आंकड़ा पहुंच रहा है, आंकड़ा ये है हमारे पास तकरीबन 15 से लेकर अभी जो सरकारी तौर पर जो अभी तक ये नौवा जो राउंड जो इख्ताम नाइन्थ राउंड जो इख्ताम पजीर हुआ जिसमें 14,336 वोट जो है सकीना इतू जो है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार लीड कर रहे हैं, तो इसी के साथ साथ ये कहेंगे कि 5,500 के करीब जो है वहां यानी कुलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में तारीगामी लीड कर रहे हैं, तो इसी के साथ साथ हम ये कहेंगे कि 1,000 के करीब नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही उम्मीदवार यानी हल्के इंतखाब दूसर से जो लगातार इस वक्त 1,000 के करीबी जो है लीड कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसमें हल्के इंतखाब कुलगाम हो, हल्के इंतखाब डीएचपुरा हो या हल्के इंतखाब दूसर हो, हल्के इंतखाब दूसर हो डीएचपुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी अभी लीड कर रहे हैं, जिसमें बाजबत तौर पर यह कहेंगे हम कि तकरीबन जो कंफर्म है कि अभी जो ना अभी 9 राउंड जो है उसमें जिसमें तकरीबन 15,000 के करीब जो है सकीना इतू जो है 15,000 से भी ज्यादा वोट जो है वो लीड कर रहे हैं। लगातार हम थोड़ा सा तस्वीरें दिखाने की कोशिश आपको करेंगे, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं। अतः उसके साथ साथ ये भी कहेंगे आप इस वक्त ये जो यहाँ पे जो मुख्तलिफ चैनल्स के द्वारा से जो भी अपडेट हमारे पास पहुंच रहा है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के हवाले था कि हरियाणा का भी अपडेट है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमारे अभी जो ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो अपडेट है हमारे पास वो यही है, यानी 50 से लेकर 52 सीट्स पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रहा है। इसी के साथ साथ ये कहेंगे कि अगर बीजेपी जो है बीजेपी तकरीबन 27 से लेकर 28 सीट पे जो है वो लीड कर रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि लेकिन ये कहेंगे कि पीडीपी वो नहीं कर पाई कि जो हमें जो दिख रहा था जो कुछ दिख रहा था लेकिन शायद वो नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी ये बताएंगे कि अभी हमारे पास जो अपडेट है तफसीलात जो है वो कि कुलगाम के अंदर यानी कुलगाम हल्के इंतखाब के सीपीआईएम के उम्मीदवार एमआईतारी गांव में जो है 5,500 वोट से भी इस वक्त यानी लीड कर रहा है। इसी के साथ साथ सकीना इतू जो कि हल्के इंतखाब डीएचपुरा तकरीबन यानी 15,000 से भी ज्यादा जो है जायद से वोटों से इस वक्त लीड कर, इसी के साथ साथ दूसर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार लीड कर। लगातार हमने सुबह से
कोशिश की हाँ बिल्कुल। कुलगाम जो हम क्योंकि हम अभी बता रहे हैं कि कुलगाम ताज़ा तरीन जो है यहाँ पे 5,500 के करीब जो वोट लीड कर रहा है CPIM। तो अभी 9th राउंड हुआ है कि अभी बहुत से राउंड अभी बाकी होने हैं। अभी देखना यह है कि क्या इसमें फ्लक्चुएशन कितने आएगी, क्या कितने से अप डाउन होंगे, लेकिन ये देखा जा रहा है कि सकीना हेतु नंबर 1 पर है, लीड कर रहे हैं। तो लगातार जो आपको हम बता रहे हैं कि कुलगाम से लगातार जो इस वक्त सकीना हेतु यानी यहाँ पे हल्के खाब डेजपोरा में जो है सकीना हेतु लीड सबसे आगे जम्मू कश्मीर में। जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार हमारी कोशिश रही है कि सुबह से हमने अपडेट जो आप तक पहुंचाई है कि वो यही है कि जम्मू कश्मीर के सियासी सूरतहाल ने कुल मिलाकर ये कहेंगे कि इंतजार की घड़ियां खत्म। जो लगातार हमने देखा है कि लगातार हमने ये देखा कि आज सुबह से जिस तरह से हमने देखा 3 जो कैंडिडेट्स है यानी कुलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कुलगाम ये डिस्ट्रिक्ट में जिसमें हल्के इंतखाब देशपुरा हो, हल्के इंतखाब कुलगाम हो या हल्के इंतखाब जो दूसरा है उसमें हमने देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के यानी सकीना हेतु और उसके साथ साथ हमने देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही उम्मीदवार जो है वो लीड कर रहा है या दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और लगातार हमने देखा है कि हल्के इंतखाब कुलगाम से CPIM का कैंडिडेट जो है वो लीड कर रहा है यानी अमय तारीगामी। और अभी जो हमारे पास आंकड़ा पहुंच रहा है सरकारी तौर पर, लेकिन उसके मुताबिक जो है अभी भी वही तीन जो है वो लीड कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा क्या कितने सीटें इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में जो है वो हासिल कर पाएंगे। लगातार हमारी कोशिश रही है कि सुबह से हमने जो अपडेट आप तक पहुंचाई अपडेट यही है कि क्या कुछ सिचुएशन जो है अभी पूरे जम्मू कश्मीर में सियासी सुरताल क्या है, लेकिन सियासी सुरताल यही है लगातार हम जो आप तक पहुंचा रहे हैं, इन्हें लगातार हमने तफसीलात आप तक यही पहुंचाए। दिवसर में अभी जो है 1000 वोट के करीब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। लगातार हम कोशिश करेंगे जो भी अभी हमारे पास अपडेट पहुंचेंगे जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो दीजिए अभी तक इतना ही, इजाजत, आप देखते रहिए कुलगाम टाइम्स।